फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इसके मामले एक बार फिर से दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि स्कूलों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली हो। दिल्ली सरकार इस पर कल एडवाइजरी भी जारी कर सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में कैसे अपना ख्याल रखें और कैसे हल्के खांसी जुकाम या बुखार को नज़रअंदाज ना करें, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर बिजपाल त्यागी जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे अपना ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना एक बार फिर से वापस लौट रहा है एक भयंकर रूप लेकर, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं? जी, ये जो वेरिएंट है ये एक्सई वेरिएंट है, और जो एक्सई वेरिएंट है वो कॉम्बिनेशन है BA1 और BA2 सब वेरिएंट ऑफ ओमाइक्रॉन। ओमाइक्रॉन के दो सब वेरिएंट थे BA1 एंड BA2, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है XE वेरिएंट। और इसमें जो अभी आपने बताया कि सर्दी जुकाम भी होता है, इसमें बुखार भी आता है, एक्सट्रीम वीकनेस होती है, पेट में दर्द होता है, उल्टी और दस्त होते हैं, ये इसके मेन फीचर्स हैं जो इस वेरिएंट के हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, यहाँ पर जो कोरोना के मामले वो बढ़ रहे हैं। अगर हाल की मैं बात करूँ तो गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में बच्चों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जी, इसका बचाव का तो एक सीधा है कि जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसको हमें मेंटेन करना है। अब कोविड प्रोटोकॉल में सोशल डिस्टेंस आता है, मास्क आता है, हाथ की सफाई आता है, और बीच बीच में हमें अपने रूम को या अपने चैम्बर को स्टरलाइज करना है, ये सब उसमें प्रोटोकॉल में आता है। अभी जो हमने स्कूल खोले हैं, स्कूल को भी हमें फिर से ऑनलाइन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये BA2 से 10 times फास्ट फैलता है। अब अगर एक बच्चे को एक स्कूल में हुआ है, उसका मतलब वो कम से कम 100 बच्चों को इमीडिएटली फैला सकता है, यानी बच्चों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में। जी, तो इसलिए हमें स्कूल के बारे में सोचना होगा कि स्कूल को फिर से ऑनलाइन करना होगा और ऑफिसेज को फिर से ऑनलाइन करना होगा। और क्योंकि ज्यादा डिटेल अभी इसका नहीं मिला है, लेकिन इतना मिला है कि जो अभी 90% महाराष्ट्र में केसेज हैं, वो जितने केसेज वहाँ पॉजिटिव है उनका 90% है। सेम जो गुजरात है उसमें जो पॉजिटिव केस है उनका 50% एक्सी वेरिएंट है, और जो दिल्ली में केसेज हैं उनका 26% एक्सी वेरिएंट है। और हमारे यहाँ गाजियाबाद में भी जो एक्सी वेरिएंट है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्या इसे हम चौथी लहर मान सकते हैं भारत के लिए? ये चौथी लहर की शुरुआत है, और ये चौथी लहर बहुत तेजी से आएगी। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीब जून तक आएगी, लेकिन उससे पहले ये आ चुकी है। जी, कितनी खतरनाक साबित हो सकती है चौथी लहर, क्योंकि जो पहली लहर आई थी तब सब कुछ एकदम खत्म हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, जिंदगी थम गई थी। दूसरी लहर में कैसे हालात थे वो किसी से छिपे नहीं है, तीसरी लहर में भी बहुत ज़्यादा परेशान जनता हुई, लेकिन चौथी लहर में क्या लग रहा है, जिंदगी अभी पटरी पर आई है तो हमें यहीं थम जाना चाहिए, कहीं हम चूक तो नहीं कर रहे हैं? हमें यही समझाना चाहिए। जी, जो एक मेन जो इसका ये क्वालिटी है कोविड का, ये जो वायरस है ये थक्के बनाता है, और खून में थक्के बनाने के बाद ये इसका थक्का फेफड़े में जा सकता है, इसका थक्का हार्ट में जा सकता है, इसका थक्का ब्रेन में जा सकता है। अब इस वेरिएंट में जो उल्टी दस्त वाला जो इसका फीचर है,
एक तो इसमें खुद थक्का बनाने की एक आदत है इसकी, दूसरा अगर ये उल्टी दस्त होंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी शरीर में होगी तो उससे और ज्यादा थिक हो जाएगा हमारा ब्लड, तो ज्यादा थक्के बनेंगे, तो ज्यादा थक्के बनने से ये और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। के लिए किस तरह से हम बचाव करें, उनको क्या ऐसा खिलाएं या किन-किन चीजों से दूर रखें, ये आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी। बच्चों के लिए हमारी ओर से यही सलाह रहती है कि उनको भी मास्क पहनाएं, और क्योंकि इम्यूनाइजेशन हमारे यहाँ अभी बच्चों का नहीं हो रहा है तो उनको ये सारी कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए इम्यून बूस्टर, जो कुछ दवाइयाँ आती हैं या कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, जो बादाम वगैरह है या ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करते हैं, वो सब हमें बच्चों को देना चाहिए। और मेरे हिसाब से स्कूल में जाने से बच्चों को अभी रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए किस तरह से हम अपना ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना की जो चौथी लहर है, समझा जा रहा है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर अलग अलग इलाकों की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में लगातार कोरोना के जो मामले उनमें उछाल आया है। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ से ये खबरें आई हैं कि बच्चे लगातार कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए, 2 गज की दूरी का पालन करिए और जितना हो सके पूरी तरह से आगाह रहिए। और यह हम आगाह आपको इसलिए कर रहे हैं ताकि चौथी लहर से बचा जा सके। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और तभी हम चौथी लहर को आने से रोक सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।